मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। विरसा के पास अकलपुर के जंगल से पुलिस ने जब्त किया भारी मात्रा में विस्फोटक। नक्सलियों ने जमीन में गड़ाकर रखा था विस्फोटक। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम देवगांव में खेत में लगे पोल में आए करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत, एक अन्य घायल। मोतीनगर में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पंचायत पदाधिकारियों को कांग्रेस दिलाएगी पूरा अधिकार। पंचायत सम्मेलन में कांग्रेस पर्यवेक्षक ने किया ऐलान। उद्घाटी के पास ट्रैक्टर पलटने से दो घायल। 1 जुलाई से रेलों के टाइम टेबल में होगा आंशिक परिवर्तन। और 11 जुलाई को गांवों में चौपाल लगाएगा भाजपा किसान मोर्चा। अब समाचार विस्तार से। जिले में चलाए जा रहे नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बिरसा क्षेत्र के ग्राम अकलपुर के जंगल से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सहित अन्य सामग्री जब्त की है। जानकारी के अनुसार पुलिस को खबर मिली थी कि अकलपुर के जंगल में नक्सलियों द्वारा विस्फोटक छुपा कर रखे गए हैं। इसकी शिकार पुलिस पार्टी हो सकती है। इस खबर के आधार पर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में सर्चिंग की गई और नक्सली अपने मंसूबों पर कामयाब होते इससे पहले ही पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। नक्सलियों ने यह विस्फोटक जमीन में छुपा कर रखा था। पुलिस द्वारा जब्त की गई सामग्रियों में 7 पैकेट विस्फोटक पदार्थ सल्फेट, 3 किलो यूरिया, 1.5 किलो कांच के टुकड़े, 1.5 किलो कील, 2 डेटोनेटर, 200 किलो POK, 50 मीटर वायर और 1 बैटरी शामिल हैं। बालाघाट बैहर मार्ग पर उद्घाटी के पास ट्रैक्टर में लगा पानी का टैंकर सहित ट्रैक्टर खाई में जा गिरा। इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर फगन सिंह और पुष्पेंद्र ध्रुवे घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दोनों व्यक्ति ओम साई कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। शुक्रवार को दोनों एक ट्रैक्टर में पानी का टैंकर लेकर जत्ता भंडेरी जा रहे थे, तभी उद्घाटी में यह ट्रैक्टर टैंकर पलट गया। उसी समय दोनों व्यक्ति ट्रैक्टर से कूद गए जिससे दोनों घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। लालबर्रा क्षेत्र में ग्राम पंचायत रानी कुठार के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवगांव के पास खेत में 11 केवी विद्युत लाइन से फैले करंट की चपेट में आने से एक किसान प्यारेलाल डोंगरे की मौत हो गई। वहीं एक अन्य किसान धर्मेंद्र बाहेश्वर घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक ये दोनों किसान शुक्रवार की सुबह कृषि कार्य करने अपने अपने खेत गए थे। दोनों के खेत पास पास में है। उसी दौरान खेत में नमी की वजह से मेड़ पर स्थित पोल से अर्थिंग तार में प्रवाह हो रहे करंट की चपेट में धर्मेंद्र आ गया। उसे बचाने प्यारेलाल गया। धर्मेंद्र के पैर में चप्पल होने की वजह से वह छिटक कर दूर जा गिरा, लेकिन प्यारेलाल को जोरदार करंट का झटका लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस स्थल पर पहुंची और बाकी की कार्यवाही की। कहाँ रहते हो? कैसी है घटना आपके साथ में है? खेत गया था, पल्लो रहे थे, कॉल बोल रहे थे तो हाँ, तो बाथरूम गया मैं, तो एक वो खम्भे का तार रहता है नीचे वाला स्टेट अर्थिंग का जो सपोर्ट की रहता है हाँ, उसको पकड़ा तो मेरे को करंट लग गया। उसके बाद कोई पता ही नहीं आपको? पता नहीं, मैं घर में आया जब मेरे को होश आया। इन्हें घर उठा के लाया गया आपको? कितने बजे की घटना हुई जब आपको करंट लगाई? 10:30 बजे। 10:30 बजे की बात होंगी। अरे महाराज, मैं सुबह वो जो लाइन आपको बिछी हुई है खंबे की, वो कितने वाट की कुछ मालूम है आपको? नहीं। तो लाइन चालू है खंबे की? नहीं, बंद है। कितने दिनों से बंद है, क्या है वो? अभी काम चालू है। काम चालू, लाइन बंद है? काम चालू था, गर्मी में बंद हो गया है। काम किस वजह से बंद हुआ पता नहीं, लेकिन काम बंद है इसमें। तो उसमें करंट वरेंट कुछ नहीं है? नहीं, करंट कुछ नहीं। जो आपको करंट लगा उसी के छूने से लगा है वो? मैं विनोद ठाकरे, ग्राम पंचायत रानी कुठार सरपंच। कैसी है घटना आपके ग्राम की आई है? ये घटना ऐसा है कि कृषि कार्य चालू है, अभी करीब 8 बजे यह प्यारेलाल डोंगरे, पिता कुंदन लाल डोंगरे, ग्राम देवगांव का निवासी है, वह कृषि कार्य करने के लिए 2 बैलों को लेकर के साथ में खेत गया और जुताई का कार्य कर रहा था।
उसी समय खेत के करीब में 11 KV की लाइन गई हुई है। वो चालू है? हाँ वो लाइन चालू है, तभी तो उसमें करंट आया ना। वो लाइन से क्या स्ट्रे वायर जो नीचे आया है उसमें पता नहीं बारिश के कारण हुआ या कैसे, तो उसमें करंट आ गया। और एक लड़का पहले उसमें करंट लग चुका था, उसको छुड़ा, तो उसको बचाने के लिए ये वहाँ पे गया और उसको छुड़ा, वो छूट गया और इसको करंट ने पकड़ लिया, तो उसी स्थिति में इनकी मृत्यु तो पता नहीं उस समय हुई या नहीं हुई, लेकिन उसको गांव के कुछ लोगों ने उठा के सीधा अस्पताल लेकर के आया लालबरा, लेकिन यहाँ जानकारी ये मिली कि उसकी मृत्यु हो गई। तो कितने बजे की घटना है? ये घटना करीब 11:30-12 बजे की। ग्राम देवगांव का प्यारेलाल डोंगरे, पिता कुंदन लाल डोंगरे, जाति महार, उम्र 32 वर्ष, जो वहाँ खेत में काम कर रहा था। खेत के किनारे ही 1100 KV के तार लगे हुए खंभे में, जिसमें स्टे तार अर्थिंग वाले लगे, तो मैं खेत से लगा हुआ है जहाँ मेड़ पे ये कुछ काम कर रहे थे, खेती काम करते करते, तो वहाँ उसके चपेट में आ गए। तो उससे एक ग्राम धारावासी का धर्मेंद्र 22 वर्ष और मृतक प्यारेलाल दोनों को करंट लगा था, जिसमें धर्मेंद्र तो बच गया है, जिसको मैं अस्पताल में लाए हुए, उसका इलाज चल रहा है, उसको ज़्यादा किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। और प्यारेलाल मौके पे ही ख़त्म हो गया था, जिसका शव मतलब घर पे परिजनों के द्वारा लेकर ला लिया गया था। मौके पर पहुंचकर पिता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने पर देहाती मर्ग इंटीमेशन चाक कर जाँच में लेकर संपंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु CSC लालबरा लाया गया। जैसे कि आपने अभी जांच की थी वहाँ पे जाके मौका वारदात पे, तो जो 11 KV की लाइट कही जा रही है, ग्रामीणों चर्चा में बताया कि वो बंद है अभी। हाँ ग्रामीणों को द्वारा तो बताया जा रहा है, मगर किंतु अब विद्युत प्रभावित कहाँ से हुई इस बारे में अब विद्युत डिपार्ट से जानकारी दी जाएगी। फिलहाल हमारे जाँच में लिया गया, जाँच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। लामता क्षेत्र के ग्राम डूटी में इसी गांव के एक व्यक्ति तोरणलाल बघेले की विद्युत करंट से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तोरणलाल नहर से घर की ओर पैदल आ रहा था, तभी रास्ते में उसने एक विद्युत पोल से सटे तार को पकड़ लिया, उस तार में करंट होने से तोरणलाल की मौत हो गई। बताया गया है कि बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन होने से यह व्यक्ति फिसल गया और गिरने से बचने उसने विद्युत पोल से सटे तार को पकड़ लिया, जो उसकी मौत का कारण बन गया। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा प्रदेश के सभी जिलों व समस्त ग्रामों में किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में किसान मोर्चा की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चे के पदाधिकारियों को प्रदेश के समस्त ग्राम केंद्रों पर किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किए जाने एवं उस आयोजन में सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दिए जाने पर चर्चा हुई। इसी तर्ज में शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय में भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 11 जुलाई को सभी ग्राम केंद्रों पर चौपाल लगाए जाने की जानकारियां दी गई। किसानों के लिए और करने की आवश्यकता है, उसका अध्ययन भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार आज 150 गन्ना उत्पादकों को बुलाया है और किस प्रकार की समस्याएं उनसे बातचीत होगी और हरेक उपज के बारे में ये बातचीत हो रही है, कितना पैसा लागत सबके सामने छात्री को करके सिर्फ ऊंचा करके आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष उमेश देशमुख ने बताया कि 11 जुलाई से गांव-गांव किसान चौपाल लगाकर किसानों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आशीर्वाद यात्रा और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आज की जो बैठक आहूत की गई है, तो किसान चौपाल का कार्यक्रम हमारा शुरू होना है, जिसकी बैठक आज नियत तारीख से पूरे प्रदेश में आज की 29 तारीख आहूत की गई है। सारे जिलों में बैठक हो रही है जिले स्तर की। उसी प्रकार दूसरी बैठक हमारी विधानसभा वार होगी 2 जुलाई को। 2 जुलाई में हमारा तय होगा किसान चौपाल कार्यक्रम कैसा होगा, किस रूट में होगा, ग्राम स्तर पे होगा। उसके बाद हम 11 जुलाई से पूरा कार्यक्रम चलाएंगे किसान चौपाल का, जो गांव-गांव
किसान के बीच में जाकर के हम सरकार की योजनाओं को पूरा पहुंचाएंगे कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार किसानों के लिए कितनी लाभकारी योजना लेकर के आई हैं और हम किसान का जो घाटे का जो है उसको हम कैसे लाभकारी में लाएं। जैसे अभी जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, चाहे बोनस का मामला हो, चाहे श्रमिक कार्ड वाला हो, ढाई एकड़ तक के भी किसान को उसमें दिया गया है, उसका लाभ कैसे मिलेगा, इन सब बातों को लेकर के हमारा किसान मोर्चा किसानों के बीच में जाएंगे। इसी बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी के भी आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा, उसकी भी हम लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं। दोनों चीजों का जो है साथ में चले। नगर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर स्थित मोबाइल टावर को हटाए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को वार्डवासियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने वार्ड में लगे जियो मोबाइल टावर को हटाए जाने की मांग की। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान वार्डवासियों ने बताया कि टावर परिसर में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है और टावर परिसर में विद्युत करंट आ रहा है, जिसके चलते भविष्य में कोई अनहोनी घटना हो सकती है। राकेश कुरियल है, भाजपा जुगुपड़ी जिला संयोजक। आप आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए हैं, क्या समस्या को लेकर? वार्ड क्रमांक 24 में जो जियो मोबाइल का जो टावर लगा हुआ है, वहाँ पर कोई यानी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से जमीन में करंट फैल रहा है और कल वहाँ पर गाय फंस गई थी करंट में, तो वार्डवासी की सूझबूझ की वजह से गाय को तो निकाल लिए, लेकिन वहाँ पर वर्तमान में बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं, अगर कल को वहाँ पर कोई जनहानि हो गई तो इस विषय में वहाँ से जो टावर लगा हुआ है उसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए वार्डवासी। जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 9वीं से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू किए जाने के आदेश अभी तक नहीं होने से छात्र छात्राओं के पालकों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। इन पालकों ने अब 2 जुलाई से स्कूल के सामने अनशन पर बैठने का ऐलान किया है। पालक संघ के पदाधिकारी अजमत खान का कहना है कि उनकी मंत्री से लेकर उच्च अधिकारियों तक सभी से चर्चा हो गई है, आश्वासन तो सभी दे रहे हैं लेकिन उच्च अधिकारी आदेश जारी नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते अब पालक 2 जुलाई से स्कूल के सामने अनशन करेंगे। हमारा जो प्रकरण चल रहा है 6वीं से लेकर 8 तक हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े और उसके बाद हमारे पास 9th के एडमिशन के लिए बच्चों की कोई व्यवस्था शासन ने नहीं करी। हमने अप्रैल माह से उसका संघर्ष कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं गवर्नमेंट से, और हमको काफ़ी आश्वासन मिला मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री से, शिक्षा आयोग से, लेकिन आज दिनांक तक हमारे पास कोई आदेश नहीं आया। हमारे बच्चे सिर्फ क्लास में बैठ रहे, कोई पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं। अब हम लोग निराश होके अब हमने ये तय किया सारे पालकगण ने कि अब सोमवार से अगर हमारे पास कल तक के ऐसा इतवार तक के कोई आदेश नहीं आया तो सोमवार से सुबह 10 बजे से हम लोग पूरे पालकगण अनशन में बैठे स्कूल के सामने। हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारे लिए जल्द से जल्द आदेश लाए, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन पर रहेगी और हम लोग अनशन पर बैठे पूरे पालक। आज आपने क्या किया? आज हमने अनशन की परमिशन के लिए, अनुमति के लिए SDM साहब से माननीय से अनुमति लिए और माननीय SP साहब से अनुमति ली है, उनको दिया है, और माननीय प्राचार्य महोदय को, कुछ विद्यालय प्रचार मान को हमने एक कॉपी दी है इसकी कि हम यहाँ अनशन से बैठा है और निवेदन किया है कि आप लोग अपने अपने स्तर पर बात करें और हमारा आदेश जल्दी से लाए, बच्चों की पढ़ाई का 1.5 महीने से। शुक्रवार को बूढ़ी स्थित नगर पालिका के रैन बसेरा में जिला सर्ववर्गीय कलार समाज की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन का विस्तार करते हुए महिला समिति का गठन किया गया। आयोजित इस बैठक में समाज द्वारा सर्व सहमति से श्रीमती वंदना यशवंत पिपलेवार को जिला सर्ववर्गीय महिला समाज का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं श्रीमती सरिता केवल सोनेकर के कांधों में नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर्वसहमति से निर्विरोध चुने जाने पर दोनों ही नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज का आभार जताते हुए पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन करने का व समाज के विकास में अपना सहयोग प्रदान करने की बात कही है।
राजेश सोनी परिवार बालाघाट से। मैं आज सर्वर्गीय जिला कला समाज द्वारा महिला समिति के अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें मुझे सर्वसम्मति से और निर्विरोध चुना गया। इसलिए मैं समाज के सभी बंधुओं और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मुझे इस पद से सुशोभित किया है। और मैं समाज के हर काम में अपना सहयोग दूंगी और समाज के संगठित कर समाज को एक होने के लिए उसमें गरिमा बनाए रखूंगी। कला समाज की विशेष बैठक की है, जिसमें महिला समिति का गठन नहीं हुआ था, तो महिला समिति का गठन किया गया है। और आज मुझे महिला समिति का सर्वरी कला समाज का नगर अध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए मैं अपने सारे बुजुर्गों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और यही अपेक्षा करती हूँ कि जिस लिए उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, तो मैं उनके इस उसमें खड़े उतरूंगी और अपने समाज के प्रति तन मन और धन से पूरी तरह समर्पित रहेंगे और पूरे समाज की महिला समिति और पुरुष वर्ग को अपने साथ लेते हुए चलेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा मूल जिले के प्राथमिक साख समितियों में खाद और बीज का भंडारण कर दिया गया है, लेकिन किसानों द्वारा साख समितियों से खाद और बीज का उठाव नहीं किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिले की साख समितियों में लगभग 25,000 मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है, जिसमें से अब तक मात्र 7-8 मीट्रिक टन ही खाद का उठाव हो पाया है। खाद और बीज के भंडारण की जानकारी देते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल ने जिले के किसानों को साख समितियों से खाद व बीज का उठाव करने का अनुरोध किया है। शुक्रवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक PS धनवाल ने बताया कि यदि किसान साख समितियों से खाद व बीज का उठाव करते हैं, तो उन्हें आगामी मांग के अनुरूप खाद बीज के भंडारण के लिए आसानी होगी। सुपर फास्फेट 5,279 मीट्रिक टन, DAP मेरे पास 7,060 मीट्रिक टन। समस्त जिले के किसान बंधुओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज का भंडारण किया जा चुका है। जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार हमने लगभग लक्ष्य का 60-70% अग्रिम रूप से फर्टिलाइजर का यहाँ भंडारण करवाया हुआ है, किंतु उसका वितरण कृषकों को लेवल पर संतोषजनक नहीं है। अभी लगभग 25,000 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर के अगेंस्ट मात्र 7-8,000 टन ही खाद हमारा बिक्रय हो पाया है, तो सभी किसानों से अनुरोध होगा कि वो समय पे खाद का उठाव कर लें, ताकि जब पानी गिरता है, जब परा लगने की बारी आती है, उस समय अचानक एक साथ समितियों के ऊपर लोड ना हो। और समितियों में जो खाद का वितरण है वो POS मशीन के माध्यम से होता है। एक व्यक्ति को खाद का वितरण करने में लगभग 5-10 मिनट का समय उस मशीन से लगता है, तो जिस समय रस होगा उस समय एक दिन में पूरे वर्किंग आवर्स में बहुत कम लोगों को खाद बांटा जा सकेगा। उस परेशानी से बचने के लिए वो यदि अभी उठाते हैं तो एक तो किसानों को भी सुविधा होगी, दूसरा हमें भी आसानी होगी, ताकि हम मांग के अनुरूप दोबारा समितियों में खाद का भंडारण कर सकें। यात्रियों की मांग के अनुरूप रेलवे मंडल द्वारा ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। अब आगामी 1 जुलाई से बालाघाट स्टेशन से होकर गुजरने वाली सभी गाड़ियां गोंदिया स्टेशन से चलाई जाएंगी, जो गोंदिया से समनापुर व गोंदिया से कटंगी के बीच चलेगी। रेलवे मंडल के इस अहम फैसले से बालाघाट से अन्य स्टेशनों के लिए सफर करने वाले लगभग 5,000 यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, जिसकी तमाम जानकारियां बालाघाट रेलवे स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा द्वारा दी गई। हाँ, बालाघाट से समनापुर के लिए, गोंदिया से समनापुर के लिए एक्स्ट्रा फेरा 1 जुलाई 2018 से दिया जा रहा है। और अभी तक जो सिर्फ सुबह का फेरा चल रहा है, उसमें शाम को भी रहेगा गोंदिया से समनापुर के बीच में। गोंदिया से वो गाड़ी शाम को 5 बजे निकलेगी, बालाघाट 6 बजे पहुँचेगी, यहाँ से 6:05 को छोड़कर 6:45 को समाप्त होगा। वहाँ से वापसी में 7:30 बजे छोड़ेगा और बालाघाट आपका 7:50 से पहुँचेगी, सॉरी 7:55 को पहुँचेगी, फिर 8 बजे यहाँ से छोड़ते हुए 7:09 बजे बंद होगा। कहने का मतलब है कि जो लोगों की जो डिमांड थी, लोगों की जो मांग थी, उनको काफ़ी हद तक सुविधा मिलता है। हाँ, बहुत हद तक सुविधा। अभी गोंदिया से बालाघाट, खासकर गोंदिया से बालाघाट के लिए 8 जोड़ी ट्रेनों की सुविधा मिलेगी आने जाने के लिए, यानी गोंदिया से बालाघाट आने वालों के लिए 8 गाड़ियाँ हैं और
यहाँ से जाने वालों के लिए 8 गाड़ियाँ, समनापुर के लिए 2 फेरे, उन्हें 2 फेयर गाड़ियाँ और कटंगी सेक्शन के लिए 6 फेरे। जो गाड़ी आपका शाम को गोंदिया से वाराणसी के लिए जाती थी उसको भी अभी विस्तारित कर दिया गया है, कटंगी तक जाएगी वो और कटंगी से फिर वापस, यानी अभी सारी गाड़ियाँ गोंदिया से कटंगी और गोंदिया से समनापुर के लिए। कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को जिला मुख्यालय सहित सुजान धर्मशाला में पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस के पंचायत प्रकोष्ठ राजीव गांधी पंचायती राज संगठन मध्य प्रदेश के प्रभारी सचिन नायक, कांग्रेस पर्यवेक्षक जनक कुशवाहा और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विरसा के पास अकलपुर के जंगल से पुलिस ने जब्त किया भारी मात्रा में विस्फोटक। नक्सलियों ने जमीन में गड़ा कर रखा था विस्फोटक। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम देवगांव में खेत में लगे पोल में आए करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत, एक अन्य घायल। मोतीनगर में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पंचायत पदाधिकारियों को कांग्रेस दिलाएगी पूरा अधिकार, पंचायत सम्मेलन में कांग्रेस पर्यवेक्षक ने किया ऐलान। उद्घाटी के पास ट्रैक्टर पलटने से 2 घायल। 1 जुलाई से रेलों के टाइम टेबल में होगा आंशिक परिवर्तन। और 11 जुलाई को गांवों में चौपाल लगाएगा भाजपा किसान मोर्चा। नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर।